इमिग्रेशन की लाहौर एयरपोर्ट पर कार्रवाई। FIA इमिग्रेशन ने लाहौर एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए यूनान जाने वाले 3 मुसाफिरों को ऑफलोड कर दिया। मुलजिमान की निशानदेही पर फौरी कार्रवाई करते हुए मोहम्मद दिलदार नामी एजेंट को भी एयरपोर्ट की हदूद से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान की निशानदेही पर फौरी कार्रवाई करते हुए मोहम्मद दिलदार नामी एजेंट को भी एयरपोर्ट की हदूद से गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान फ्लाइट नंबर EY242 से यूनान जा रहे थे। मुलजिमान में मोहम्मद जुबैर, वहीद अख्तर और असद दानियाल शामिल। मुलजिमान की जानिब से पेश किया जाने वाला यूनान का वीजा जाली निकला। मुलजिमान के पासपोर्ट पर एथेंस रवानगी और पाकिस्तान आमद की जाली स्टैंप लगी हुई थी। मुसाफिरों की आमद रवानगी के हवाले से सिस्टम में कोई सफरी रिकॉर्ड मौजूद न था। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिमों ने फिक्स 25 लाख रुपए के एवज एजेंटों से कार्ड और जाली स्टैंप लगवाई। एजेंट मोहम्मद दिलदार का ताल्लुक सियालकोट से है। एजेंट मोहम्मद दिलदार के मोबाइल से मुतअद्दिद पैगामात और जाली सफरी दस्तावेजात बरामद कर ली गयी। मुलजिमान को कानूनी कार्रवाई के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल लाहौर मुंतकिल भी कर दिया गया।